हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम दिव्या. आज मैं आप लोग के साथ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड जब से मैं कुछ ज्वेलरी मतलब ख़रीदना स्टार्ट की, उसमें से कुछ ज्वेलरी मतलब मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. पूरी ज्वेलरी एंड ईयर रिंग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी एंड लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है अभी इस समय. इसके लिए मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी और कुछ ईयर रिंग आप लोग के साथ शेयर करूंगी एंड दिखाऊंगी कि कौन से ज्वेलरी मैंने अभी तक परचेज किए हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये वाला. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मुझे पहनते हुए ये वाला ज्वेलरी ईयर रिंग है और ये बहुत ही अच्छा है. आप लोग देख सकते हैं मुझे बहुत ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जितने भी होते हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं इन सबको पहनना बहुत ही मुझे मतलब अच्छा लगता है. तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा ज्वेलरी, गोल्डन वाले या ऑक्सीडाइज वाले, या बहुत सारी मार्केट में ज्वेलरी थोड़ा सा गोल्डन आता है, थोड़ा सा अलग सा, मतलब वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कौन सा ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आता है, ईयर रिंग, नेकलेस एंड फिंगर रिंग, आप लोग को कौन सा मतलब ज़्यादा पसंद आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मैं आप लोग को पहन के दिखाती हूँ कि मतलब मेरे में कैसा लगता है. एंड नेक्स्ट ईयर रिंग ये आप लोग देख सकते हो. एंड मेरे पास झुमका आप लोग को ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ. घर पे कहीं भी बाहर जाना रहता है तो मुझे साड़ी ही पहनना पड़ता है. तो साड़ी पे झुमके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. आप लोग को तो मालूम ही होगा अगर आप लोग पहनते हो तो. अगर आप मतलब ऐसे इयर रिंग पहनते हो तो आप झुमका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. बहुत ही प्रीटी लगता है साड़ी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद है. मैं कहीं भी जाती हूँ, आप मेरा एक ब्लॉग देख सकते हो, उस ब्लॉग में मेरा मैंने झुमका यही वाला पहना है और मुझे बहुत ही पसंद आया. मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि आपका झुमका बहुत ही प्यारा लग रहा है. तो मुझे झुमके पसंद है, आप देख सकते हो. ये भी आपको किसी भी आउटफिट के साथ, साड़ी, ड्रेस या आप कुछ भी पहनते हो उसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा. अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, अगर किसी शादी में जा रहे हो, मैंने एक शादी में गई थी उसमें भी मैंने यही झुमका पहन के गया था आप लोग के साथ. वो भी वीडियो मैंने मेकअप का वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने ये झुमका पहना हुआ है और बहुत ही प्रेटी लगता है वो भी, आप देख सकते हो. एंड ये ड्रेस के साथ भी झुमका बहुत ही अच्छा जा रहा है, आप देख सकते हो. और साड़ी के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. और मुझे कोई मतलब मेकअप का या कोई भी वीडियो बनाना रहता है तो मैं ये इयर रिंग ज़रूर पहनती हूँ. मुझे बहुत ही ये पसंद आता है. तो आप लोग इसको देख लीजिए. और ये मनी बहुत ही ज़्यादा मतलब शाइन करते हैं, बहुत ही चमकते हैं, आप देख सकते हैं. और ऐसे इयर रिंग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ड्रेस के साथ. पर्सनली साड़ी के साथ मैं नहीं पहनती ये सब इयर रिंग्स, लेकिन ड्रेस के साथ मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं. एंड नेक्स्ट ये वाला मैंने आप लोग के साथ ईद मेकअप लुक शेयर किया था, शायद उसमें मैंने ये इयर रिंग पहना था और मुझे बहुत ही पसंद आया था ये इयर रिंग. आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन पे दे दूँगी. और ये इयर रिंग उस ड्रेस के साथ बहुत ही मैचिंग जा रहा था और मुझे बहुत ही पसंद भी आया था. तो इसके लिए मैं इसको अभी तक रखी हूँ. और कुछ ऐसा अगर पड़ता है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा बाहर, अगर ड्रेस के साथ मैचिंग आता है तो मैं इसको एक बार और पहनूंगी एंड मैं आप लोग के साथ दिखा देती हूँ. अगर आप दिवाली लुक मेकअप कर रहे हो, कोई पार्टी लुक मेकअप कर रहे हो तो उसके साथ ये इयर रिंग बहुत ही अच्छे से जाएगी और बहुत ही प्रेटी लगेगी आपके कोई भी आउटफिट के साथ. और यहाँ तक आपको अगर साड़ी के साथ पहनना है तो साड़ी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाएगी, आप देख सकते हो. बहुत ही प्यारी लगती है ऐसे इयर रिंग मुझे, क्योंकि ये नीचे जो लटकते हैं ना छोटे छोटे झुमके, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगता है इयर रिंग, आप देख सकते. इयर रिंग के साथ ये प्यारा सा छोटा सा मांटी का भी आया था. ये इयर रिंग देख सकते हो, ये कुछ मोर के पंख जैसा है और इस पे ये मोर का ये बना हुआ है, आप देख सकते हो. और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसे मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ या कुछ सिंपल सा मेकअप लुक करती हूँ तो उसके साथ मुझे ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छा लगता है. मैं ज़रूर एक बार इसको पहनूंगी और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं ऐसे ज्वेलरी. तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो एंड सिंपल कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा.
ओके, ऐसा ही सेम ज्वेलरी मेरे पास एक और है, ये वाला मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर के साथ सेम मेरे पास दो ज्वेलरी है और ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, मतलब 30-40 के आसपास ये ज्वेलरी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो आपके पास बहुत सारे ज्वेलरी कलेक्शन रहे, बहुत सारे ज्वेलरी हैं, बहुत सारे इयररिंग रहे, अगर आप कहीं अलग अलग जाते हो, अलग अलग सा ज्वेलरी पहन के जाओ, तो आप ऐसे 30-40 या 100 रुपये के अंडर ही आपको बहुत सारे ज्वेलरी एंड बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, है ना, क्यूट सा छोटा छोटा, आप अगर आप पहनना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी लग, ना क्यूट लग रहा है यार। अगर आप कोई भी बाहर जा रहे हो घूमने, अगर बहुत ही ईजी सा रहेगा, मतलब बहुत ही सिंपल, आपका ईयर पे कोई भी फोर्स नहीं पड़ेंगे, आपके ईयर एकदम से हल्के से रहेंगे और इयररिंग बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही, और इतना क्यूट है। अगर आप रेड कलर का ड्रेस पहनते हो, रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हो, उसके साथ इयररिंग बहुत ही ज़्यादा अब मैचिंग जाएगा और बहुत ही क्यूट दिखेगा यार, बहुत ही। एंड एक ज्वेलरी और है जो मैंने अलग से ख़रीदा था, ये अकेले वन पीस का मैंने ख़रीदा था और ये मांटी का मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था ब्राइडल मेकअप लुक, मैंने उसमें यही मांटी का, मेरा नेकलेस अलग था लेकिन मैंने उस नेकलेस में का मांटी का नहीं लगाया था और मैंने ये वाला मांटी का लगाया था। अगर आप वन पीस कोई मेकअप लुक कर रहे हो या कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप अकेले से मतलब ये मांटी का लगा के जा सकते हो, ऐसा मांटी का जो गोल में आता है और ये पूरा माथा आपका ढक जाता है, ऐसा बड़ा मांटी का अगर आप लगा के कहीं जाते हो तो आपको नेकलेस एंड इयररिंग पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा सबसे पार्टी में अलग एंड सबसे ब्यूटीफुल दिखोगे आप। खुद ही आप देख सकते हो, मैंने कोई भी यहाँ पे मेकअप नहीं किया है और मैंने कोई भी ज्वेलरी भी नहीं पहना है, बस मैंने मांटी का लगाया है और मेरा आप लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा है। आपको ब्लैक कलर बहुत ही पसंद है, आप ब्लैक कलर का ड्रेस पहनना, ब्लैक कलर का ज्वेलरी पहनना एंड ब्लैक कलर का इयररिंग पहनना बहुत ही पसंद करते हो तो आप लोग को ये इयररिंग बहुत ही पसंद आएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही हल्का सा है और बहुत ही क्यूट सा लटकने वाला झुमका एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं आओगे कहीं फंसा हुआ है शायद, अगर आपको अलग अलग सा इयररिंग पहनने का शौक है, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के, तो आप लोग को ये बहुत वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को और पूरा देख लीजिए क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे इयररिंग हैं और ये देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लंबे इयररिंग पसंद नहीं है, आपको छोटे इयररिंग पसंद है तो इस तरह से इयररिंग ले सकते हो। एंड यस, इस इयररिंग के साथ मुझे ये नेकलेस भी मिला था, आप देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हैवी नेकलेस पसंद नहीं है, आपको बहुत ही नॉर्मल सा नेकलेस पसंद है, तो आप ये नेकलेस, ऐसा नेकलेस अपने लिए ले सकते हो और ये बहुत ही इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा, 200 के अंडर ही मिल जाएगा। और इसके साथ ये इयररिंग मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैं इसको कहीं भी जाती हूँ तो पहन लेती हूँ क्योंकि ये थोड़े लाइट वेट है और नॉर्मल है, ज़्यादा हैवी पहनने से अच्छा है थोड़ा नॉर्मल पहन लो कि देखने में भी अच्छा लगे और मतलब खुद को भी अच्छा लगे। ज़्यादा अगर काम करना पड़ता है तो आपको परेशानी भी ज़्यादा, हैवी नेकलेस अपने लिए लेना मतलब अच्छा नहीं समझती हूँ, उसके लिए मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। और ये छोटे छोटे झुमके, अगर आपको बड़े झुमके नहीं पसंद आए हो तो आपके लिए ऑप्शन है ये छोटे झुमके। अगर आपको छोटे झुमके पसंद हैं, छोटे इयररिंग पसंद हैं, तो आपको ऐसे छोटे इयररिंग लेना चाहिए, अपने लिए ज़रूर लेना चाहिए। और ये टॉप्स, अगर आपको इयररिंग में टॉप्स पहनना पसंद है तो आप इस तरह से अलग अलग कलर के टॉप्स ले सकते हो। मेरे पास वाइट है, आप देख सकते हो, इसका मनी आप देखिए कितना साइन कर रहा है ना, क्यूट सा छोटा सा। तो मेरे पास ये थे कुछ ज्वेलरी कलेक्शन, अभी मैंने कुछ अपना ज्वेलरी अलग रखा हुआ है और कुछ मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है तो मैं अभी मेरे इस बॉक्स में, आप देख सकते हो ये बॉक्स, इस बॉक्स में मेरे इतने ही ज्वेलरी थे और दूसरे बॉक्स में मैंने रखा हुआ है अपना ज्वेलरी। तो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में उसका वो वीडियो शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो ज्वेलरी कलेक्शन वाला देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाए आपको। ये देखिए, ये ऐसा चैन ना आप भूल के भी मत खरीदिएगा,
क्योंकि ये मनी वेस्ट है यार। मैंने देखा तो मुझे बहुत ही पसंद आया कि चलो ड्रेस के साथ वीडियो बनाऊंगी तो मुझे ऐसा मतलब नेकलेस पहनने में बहुत ही हेल्प मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये देखो, ये सुलझने का नाम ही नहीं लेता है और ये ऐसे ही गोल गोल इसमें फंसा रहता है, ये कभी सुलझता ही नहीं है। मुझे बहुत ही बेकार लगा, मैंने देखा तो ले लिया लेकिन अभी ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है। और कुछ ये मेरे पास ऐसे नेकलेस हैं जो मनी वेस्ट हैं। इस तरह के नेकलेस देख करके आप मत लेना, देखने में तो बहुत ही प्रेटी लग रहा है। अगर आप साड़ी के साथ पहनते हो, ओपन हेयर स्टाइल रखते हो तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसे देख सकते हो आप अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ये मनी वेस्ट लगता है क्योंकि मैं ये सब ज्वेलरी अभी पहनना। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको ज़्यादा हैवी इयरिंग नहीं चाहिए और क्यूट सा इयरिंग चाहिए तो आप ऐसा इयरिंग वेयर कर सकते हो, अपने ले सकते हो। ये मैंने 50 रुपीज़ के अंडर ही लिया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे राजस्थानी टाइप का है ना कुछ, बहुत ही अच्छा है ये भी। एंड इस तरह की इयरिंग से आप अपना कोई भी हल्का सा मेकअप है, हल्का सा किसी पार्टी में जा रहे हो, छोटे से मतलब आपको इयरिंग्स चाहिए तो आप इस तरह के इयरिंग्स ले सकते हो। एंड इसी तरह का सेम इयरिंग मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये भी बहुत ही क्यूट सा इयरिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। एंड ये है ना, छोटे छोटे से मतलब क्यूट क्यूट से इयरिंग है जो आप लोग कहीं भी अगर हैवी इयरिंग पहनना नहीं चाहते हो तो ये छोटे छोटे इयरिंग अपने साथ ले सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। फाइनली मेरा एक बॉक्स का जो ज़्यादा मतलब मैंने इसमें इयरिंग अपना नहीं रखा हुआ है, जो एक बॉक्स का मेरा नेकलेस था एंड इयरिंग्स थे, कुछ ज्वेलरीज थे, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया है तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसे इयरिंग्स देखना पहनना पसंद आता है, वैसे इयरिंग्स मैं खरीदूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत ही अच्छा इस समय अपने वीडियो पे सपोर्ट मिल रहा है। एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट यार, बहुत ही मैं आप लोग को दिल से थैंक्स बोलती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत मन लगता है क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है, अभी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मन थोड़ा ये हो जाता है कि मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, ऐसा कुछ मतलब अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे मेरे वीडियो को। लेकिन अभी मुझे बहुत ही अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं, मेरे वीडियो पे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरी फैमिली की तरह, मेरी फैमिली मेम्बर की तरह आप मुझे प्यार करते रहिए। ऐसे ही मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लव यू।